हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीना एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, हमारी ये जो वीडियोस की सीरीज चल रही है ना, जिसमें मैं आप लोगों को एवरी डे 3 स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 3 स्टॉक्स में से हमारे कुछ ऐसे 1 या 2 स्टॉक्स हो रहे हैं जो आप लोगों को 5% से 10% का रिटर्न एक ही दिन के अंदर जनरेट करके दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं एफडी की तो वो 4 या 5% एक साल के अंदर देता है, और हमारे स्टॉक्स आपको एक दिन के अंदर उससे डबल का प्रॉफिट और परसेंटेज वाइज कमा के दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक उषा मार्ट दिया था 72 रुपीज पे और 80 रुपए का टारगेट बोला था, एंड वो नेक्स्ट डे अचीव हो गया। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों को मैकडॉनल्ड्स यूनाइटेड स्पिरिट का स्टॉक दिया था 770 पे, एंड आज के दिन उसका जो हाई था दैट इज 840 रुपीज का, 8 से 9% का रिटर्न एक दिन के अंदर इसने जनरेट करा। सो गाइस, हमारी जो स्टॉक की एनालिसिस हो रही है आप लोगों की मदद से बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो रही है। ये स्टॉक्स जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में आप ही मुझे रिकमेंड कर रहे हो। अब ये कैसे रिकमेंड कर रहे हो और आप कैसे मुझे स्टॉक्स दे सकते हो, इसके बात करते हैं। सो गाइज, मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि मैं दोपहर को 2 बजे लाइव आऊँ अपने YouTube पे, एंड वहाँ पर मैं आपके स्टॉक्स की क्वेरीज लूँ। तो जब आप अपने स्टॉक्स की क्वेरीज लेते हैं, मैं एक एक चार्ट ओपन करता हूँ एंड उसको एनालिसिस करता हूँ, तो जो मुझे पसंद आता है हम उस पर ट्रेड लेते हैं। सो गाइज, ऐसे ही 2 उषा मार्ट हो गया या फिर मैकडॉनल्ड्स हो गया, ये आप लोगों की हेल्प से ही हम लोगों ने इतना प्रॉफिट जनरेट करा है, और आप अकेले की हेल्प से इतने सारे लोग जो टेलीग्राम के अंदर है वो हेल्प कर रहे हैं और वो लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी सबसे बड़ा थैंक यू है कि आप लोगों ने स्टॉक्स को फाइंड करा। अब बात करते हैं कि ये जो सीरीज है, ये जो कंटिन्यू हम कर रहे हैं, क्या इस पर आप लोगों को फायदा मिल रहा है, येस और नो, प्लीज डू लेट अस नो इन अ कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा गाइस, थैंक यू सो मच, कल मैंने अपनी वीडियो पे आप लोगों को बोला था कि 500 लाइक्स तो आप लेकर आ ही सकते हैं, एंड आप 500 नहीं 750 लाइक्स लेकर आ गए हैं। सो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़्यादा तो नहीं करना चाहता, बट ट्राई करके देख लेते हैं, अगर आप इस वीडियो के अंदर 1000 लाइक्स लेकर आते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं, वीडियो पसंद आएगी तो 1000 लाइक्स आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जैसे ही मेरी वीडियो एंड हो जाएगी, जिसपे आप लोग नेक्स्ट मंथ के लिए कौन से स्टॉक्स पे अभी से पैसा लगा सकते हैं, कि आप 1 महीना होल्ड करते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए तो पैसा अर्न कर सकते हैं, आप उसका ऑप्शंस भी बाय कर सकते हैं। फ्यूचर पे तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, आप उसका ऑप्शन ले सकते हैं, और कैश में तो मैं एक वीडियो बना रहा हूं, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली मैं कल तक उसे अपलोड कर दूंगा अगर वो स्टॉक पे ज्यादा मूवमेंट नहीं आती है तो, ठीक है। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना, कल आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। सो आई होप आप लोग गाइज ये वीडियोस को एंजॉय करते होंगे, लास्ट तक वीडियो को देखते होंगे, और एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, याद रखेगा इस पॉइंट को। देखिए, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है ना, ये आप लोगों को इन फ्यूचर और भी ज्यादा हेल्प कर सकता है, और इंस्टाग्राम हमारा और भी ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे हर मिनट वीडियोस बनाना इम्पॉसिबल होता है कोई अगर आपको अपडेट देना हो। तो ये 2 प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिल सकते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट मिल सकता है, तो प्लीज डू फॉलो अस देयर। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दोनों के लिंक डाल रखे हैं, आप जाओ क्लिक करो, हमें ज्वाइन करो, और वहां पर आप लोगों को और भी रिकमेंडेशंस गाइस मिल सकती हैं लाइव मार्केट के अंदर। सो प्लीज डू फॉलो अस देयर एज वेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमारे कौन से 3 स्टॉक्स हैं जो कल बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन डाटा की एक्सपायरी बहुत ज्यादा अच्छी गई है, एंड FIIs का डाटा भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं, एंड मैं ऑलरेडी 3 स्टॉक्स को ना ड्रॉ करके रखा हुआ है, बिकॉज मैंने अभी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे बताया होगा कि यहाँ पर अभी थोड़ा ना फ्लैट में लाइट का इशू हो रहा है, तो उस चक्कर में रिकॉर्डिंग मैं कर नहीं पा रहा, बार बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो लाइट जाई जा रही है, तो मैं बहुत जल्दी इसे कवर करने की कोशिश करूंगा, आई होप आप लोग इसे समझ पाए, ठीक है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, उसका एक ब्रेकआउट हुआ 120 लेवल्स पे और ऑलमोस्ट टारगेट 170 तक गया, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो टारगेट था वो अचीव कर गया। उसके बाद वहां से नीचे आना स्टार्ट हुआ, नीचे आना जैसे स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हैं इसने एक रेंज के अंदर आ गया। अब रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, रियल इंडिया बुल रियल एस्टेट का। अब आप देख सकते हैं शार्प बुलिश अप मूव आई, एक रेंज के अंदर ट्रेड करा, इसका फाइनली एक ब्रेकआउट दिया जो कि लेवल है 154 रुपीज का।
सो इसका जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो 139 का करना है। एक बुलिश पेनेट पैटर्न का ब्रेकआउट आया है तो पहला टारगेट इसका स्विंग हाई होगा जो कि 170 रुपीज का है, जो कि करंट लेवल से 10% ऊपर है, और नेक्स्ट टारगेट है 190 रुपीज का जो कि करंट लेवल से 25% ऊपर है। तो मेरे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा है, स्टॉक के अंदर आप लोग एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं। और अपडेट्स इस पर कैसे एंट्री लेनी है, क्या सारी चीजें, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो मेक श्योर आप वहां पर हमें फॉलो जरूर करें। ठीक है, बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सो गाइज हमारा सेकंड स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी मैंने आप लोगों को अपनी 2 दिन पहले जो मेरी वीडियो मैंने डाली थी वहां पर मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट करा था। अभी भी इस पे बाय के मौके हैं, अभी भी ज्यादा ऊपर नहीं गया और मुझे लगता है कल या परसों के अंदर अंदर ये अपने टारगेट्स को रीच कर सकता है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक इस पे कोई ट्रेड नहीं लिया तो अभी भी अच्छा मौका है इस पे आप अपनी वॉच लिस्ट पे ऐड करने का। सो क्लियरली आपको पता है एक राइजिंग चैनल के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है, राइजिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है और एग्जैक्टली अपने टॉप पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ना तो इसने एक पैटर्न ड्रॉ करा है जिसे हम लोग कहते हैं हिडन शोल्डर पैटर्न। लेट मी शो यू, ये देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसका ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे दिया। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ रीटेस्ट, फिर ऊपर गया और जिस लेवल से गिरावट आई थी उसके ऊपर जाके आज क्लोज भी कर रही है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। इसके अलावा अगर मैं इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हटा देता हूँ तो आप देख रहे हैं ये एक रेंज के अंदर भी स्टॉक काम कर रहा था, इसका भी ब्रेकआउट दिया। सो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कि ये जो राइजिंग चैनल है ना इसका भी कल के ट्रेडिंग सेशन पे एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन करा हुआ है, स्टॉक का नाम है एनटीपीसी, टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 132 रुपीज के, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 120 रुपीज का। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। हमारा जो थर्ड स्टॉक है उसका नाम है ईआई होटल्स। ईआई होटल्स पे आप देख सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि होटल सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। इंडियन होटल में हमारी खुद की पर्सनल ट्रेडिंग है, हम लोगों ने 153 पे बाय करा था, 170 180 आसपास खुद भी अभी ट्रेड कर रहा है। अब ये स्टॉक भी ब्रेकआउट दे चुका है, इस पर भी अभी बहुत अच्छी बाइंग बनती है। देख सकते हैं एक राइजिंग चैनल के अंदर स्टॉक काम कर रहा है, तो जब भी हम लोग सपोर्ट पे बाइंग करते हैं तो हमारा टारगेट होता है जो कि रेजिस्टेंस लेवल होता है। अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं एक शार्प इंपल्स मूव आई, इंपल्स मूव आने के बाद एक फॉल आया, जो ये रिट्रेसमेंट आया ना ये रिट्रेसमेंट फिबोनाची का 50% का है, तो यानी कि एक बहुत बढ़िया इसने ट्रिपल बॉटम क्रिएट करा, यहाँ से बेस बनाया और अब ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अगर आप देखेंगे पहला रेजिस्टेंस यहाँ फेस हुआ था, नीचे आया, दूसरी बार ट्राई करा ऊपर जाने की बाद दोबारा फेल हो गया, एंड तीसरी बार भी ट्राई करा। अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं तीसरी बार ये वाली कैंडल ने ट्राई करा था, बट बियर इतने ज़्यादा हैवी हो गए थे कि जिसकी वजह से वो लोग बुल को नीचे ले आए और प्राइस नीचे आ गया। जब इस तरीके की कैंडल बनती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बियर प्रेशर आ जाता है तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अभी भी बियर का कंट्रोल है और ये स्टॉक और नीचे जा सकता है, बट एक्चुअल में नहीं हुआ। अगले दिन से बुल्स ने दोबारा कंट्रोल रीगेन करा और स्टॉक ऊपर जाते रहे और अपने इस हाईएस्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। तो ये आप देख सकते हैं ये शोल्डर है, ये हेड है और ये एक दोबारा शोल्डर है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट, एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो अभी करंट प्राइस है 123 रुपीज का, अगर 122 121 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इसे बाय कर सकते हैं। 132 रुपीज का टारगेट है जो कि करंट लेवल से 8 या 9% का टारगेट है। सो मेरे हिसाब से आप यहां पर एक बाय पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 118-117 रुपीज का। तो गाइज ये थे हमारे थ्री स्टॉक्स, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की और एक बार ऑप्शन डाटा को चालू के चेक करते हैं। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, क्लियरली आपको एक चीज तो पता है कि एक सिमेट्रिकल राइजिंग ट्रायंगल पैटर्न था जिसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक अपमूव आई, अपमूव आने के बाद एक रीटेस्ट आया, रीटेस्ट आने के बाद दोबारा ऊपर गया और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी दे दिया। आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया, तो यानी कि एक इम्पल्स अपमूव स्टार्ट हो चुकी है। एक अपमूव आती है, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है, एक दोबारा नया हाई क्रिएट करता है। तो मार्केट अभी एक अप ट्रेंड के अंदर है, करंट प्राइस है 17,800 रुपीज़ का, ये एक छोटा सा हर्डल है, बट इसके ऊपर या अगर आपको कोई भी डिप मिलती है मार्केट के अंदर तो आप बाय करिएगा। नेक्स्ट मंथ का जो मेरा टारगेट है 18,100-300 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, मेरे को लगता है एक छोटा सा ऑर्डर तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 18,000 पे जो हमें देखने को मिल सकता है, बट मुझे लगता है कि 18,100-300 के बीच पे मार्केट जा सकती है। तो स्टॉक इंडेक्स को जरूर वॉच करिएगा, कल भी अगर कोई भी डिप आएगा तो डिप में सिर्फ हमें बाय करना है, हमें अब शॉर्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ लॉन्ग जाना है। और लॉन्ग के तरीके हमें क्या है,
या तो फिर अगर ऊपर खुलता है और ऊपर जा रहा होता है तो हमें तुरंत बाय कर लेना है, बिकॉज फिर वो रैली जो है वो कंटिन्यू रहती है। आपने आज भी देखा होगा ना कि गैप अप खुला, वो रैली कंटिन्यू रही और स्टॉक ऊपर जाता रहा, हम वेट करते रहे पेशेंसली कि एक बार डिप देगा, बट एक्चुअल में नहीं देता। सो गैप अप खुलेगा, ऊपर जा रहा होगा, हम बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नीचे जा रहा होगा तो नीचे हम लोग बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम गोज विद बैंक निफ्टी, तो मैं एक बार बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। सो बैंक निफ्टी मैंने ओपन कर लिया, आप क्लियरली यहाँ पर एक चीज देखिएगा, एक अप मूव आई, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा, एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा नीचे आया, इसी लेवल पे रीटेस्ट करा, अब दोबारा ऊपर जा रहा है। सो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि 38,000 के ऊपर निकल सकता है और 38,100-38,200 तक भी जा सकता है। अब अगर मैं बात करूँ उसके टारगेट की, इस पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्राइस स्ट्रक्चर है, प्राइस एक्शन के बेसिस पर अगर मैं इसका टारगेट बताऊं तो मुझे लगता है 38,500 तक बहुत इजीली जा सकता है। सो 38,500 39,000 तक के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट मंथ तक 38,500 टू 39,000 तक भी मार्केट जा सकती है। सो आपको करना क्या है, बाय ऑन डिप्स, अदरवाइज गैप अप खोले और एक दो मिनट की कैंडल ऊपर जा रही हो तो वहां पर भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सो एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर पे है, एक छोटा सा हर्डल है 38,050 रुपीज के आसपास, जो मुझे लगता है कि कल तक आ सकता है। सो मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन का डाटा ओपन रखा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट का, तो बैंक निफ्टी सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं। सो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहां पर देखने को मिल रही है अभी, 37,770 रुपीज पे, हाईएस्ट पुट राइटिंग है 37,500 पे, और कॉन्सिक्यूटिवली अगर मैं चेक करूं तो 100 पॉइंट्स के ऊपर में पुट राइटिंग हेवी होती जा रही है। सो मेरे हिसाब से कॉल राइटिंग हाईएस्ट है 38,500 एंड 39,000 पे। सो आप खुद समझ सकते हैं कि जो अपसाइड है वहां पर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, और डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। सो मेरे हिसाब से हमें बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रखनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं हम एक बार निफ्टी की, तो एक बार अगर हम लोग निफ्टी को चेक करें, निफ्टी पे आप लोग देख सकते हैं हाईएस्ट पुट राइटिंग हम लोगों को जो देखने को मिल रही है, वो देखने को मिल रही है 17,800 रुपीस पे, एंड उसके बाद 17,700 पे क्लोजिंग हुई है 17,800 के ऊपर। तो अगर कोई भी डिप आती है 17,770, 760, 740, वहां पर भी हम लोगों को बाइंग करनी है। एक हर्डल जो आ रहा है कॉल राइटिंग पे वो 18,000 और 18,200 और 300 का आ रहा है। तो जो मैंने आपको लेवल्स बोले मेरे हिसाब से वहीं पर ही एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। मोस्ट प्रोबेबली शायद अभी एक हफ्ता हमारे पास है, तो एक हफ्ते में शायद मार्केट ये टारगेट को भी ब्रीच कर सकती है, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ ही टारगेट्स आ सकते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार FII का डाटा भी चेक कर लेते हैं। FII के डाटा पर अगर मैं देखूँ तो कॉल उन लोगों ने 200,000 क्वांटिटी बाय करी हुई है, पुट्स उन लोगों ने 2.5 लाख क्वांटिटीज बाय करी हुई है, तो इन द सेंस वो लोग ऑप्शंस पे थोड़ा सा बियरिश है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, एंड यहाँ पर इन्होंने स्टॉक्स पे भी सेलिंग कर रखी है, बट आज एक्सपायरी थी वीकली एक्सपायरी, तो उस चक्कर में उन लोगों ने यहाँ पर ये पोजीशन बनाई होगी। तो यहाँ पर इंडेक्स पे FII के डाटा को अभी देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी इनका मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा बढ़िया रोल नहीं है, तो बाय ऑन डिप्स, और अगर ऊपर गैप अप खुलता है तो हम लोग बाय करेंगे। कल मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ एक ऐसी वीडियो जो नेक्स्ट मंथ पे आपको 20-25% तक का भी रिटर्न दे सकती है नेक्स्ट मंथ के अंदर। उस पर आप ऑप्शंस भी बाय करके चल सकते हो, कैश के अंदर भी कर सकते हो। फ्यूचर्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाएंगे। तो कल वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और उसके लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। गाइज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, आई होप ये वीडियो पॉज करने से पहले लाइव दोबारा ना चली जाए। तो हम लोग एंड करते हैं, कल मैं मिलता हूँ आप लोगों से लाइव दोबारा दोपहर को 2 बजे, और तब हम लोग अपनी फर्दर डिस्कशन करेंगे। गुड नाइट।